हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर अंजीर रोल। खजूर अंजीर रोल बनाने के लिए हमने लिए है ये 500 ग्राम खजूर लिया है, जिसे हमने बारीक पीसेस में कट करके लिया है। ये 100 ग्राम पिस्ता है, 100 ग्राम बादाम है, 100 ग्राम अंजीर है और 100 ग्राम काजू है, जिनको कि हमने बारीक पीसेस में कट करके लिया है। ये 3 टेबलस्पून हमने वाइट डिंक लिया है, जिसे खाने वाला गोल भी बोला जाता है। ये 2 टेबलस्पून पॉपी सीड है खसखस, और 4-5 टेबलस्पून हमने ड्राई कोकोनट ग्रेट करके लिया है। तो आइए खजूर अंजीर रोल बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, पहले हम ये ड्राई ग्रेटेड कोकोनट को थोड़ा सा भून लेते हैं, और इसके साथ ही हम ये पॉपी सीड भी डाल देते हैं भूनने के लिए। दोनों चीज़ें को साथ में ही भूनेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। ये हमारा ड्राई कोकोनट और पॉपी सीड खसखस भून चुकी है, इसका बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमने कढ़ाई में घी डाला है, घी गर्म होने के बाद उसमें हम ये गोंद डालेंगे। गोंद को हम अच्छे से भून लेंगे। हमारा गोल पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इन सभी चीज़ों को जिनको हमने भून लिया है, उनको हम मिक्सी में से निकाल लेंगे। ये वाइट डिंक हमने फ्राई करके लिया था, उसके साथ में हमने ये ड्राई कोकोनट और पॉपी सीड खसखस जो भून के लिया था, ये साथ में इसमें डाल के हम मिक्सी में से बारीक करके लेते हैं। इसको आप ऐसे भी डाल सकते हो, पर उसका अगर पेस्ट बना के डालते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट में। ये कढ़ाई में हम बादाम और काजू को भून लेते हैं। इसे हमें ड्राई ही भूनना है, साथ में ही भी भूनते दोनों को। ये हमारे काजू और बादाम 1-2 मिनट के लिए हमने भून के लिए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब ये 1 टेबलस्पून घी हमने इसमें डाला है, जिसमें हम ये अंजीर फ्राई कर लेंगे। अंजीर को भी हमने 1-2 मिनट के लिए घी में भून लिया है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें घी डाला है, जिसमें मैं ये खजूर डालती हूँ भूनने के लिए। खजूर को हमें अच्छे से भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे खजूर भून के तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम सभी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। ये खजूर है, जिसमें हम ये अंजीर डालेंगे जो हमने थोड़ा सा भून लिया था, और उसमें ही हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये हमने मिक्सी में गोंद और कोकोनट और पॉपी सीड बारीक करके लिए थे, वो भी उसमें मिक्स करेंगे, और इन सभी चीज़ों को हम भी अच्छे से बाइंड करेंगे, हाथ से ही बाइंड करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स करके ली है। अभी इसके हम ऐसे रोल करेंगे। तो रोल करने के लिए हम मीडियम साइज के रोल बनाएंगे। और इसे, ये बहुत गर्म है अभी, इस तरह से हम सभी रोल बना के लेंगे। इसे हम शेप कर लेंगे। पहले हमने हाथ से इसको शेप दे दिया था, अब इसे चकले पे हम अच्छे से रोल कर लेंगे। और इसे हम इस तरह से पिस्ते में रोल करके और पिस्ते में रोल कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब रोल को पूरी तरह से कोट करके लिया है। और इस तरह से सभी रोल हमारे बन चुके हैं। अभी हम इसे ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करेंगे और फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए उसको ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए रखेंगे। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको कैसे रैप करके उसको अच्छे से टाइट उसको रैप करना है, ताकि बहुत अच्छे से हम इसे टाइट से रोल करेंगे। और ऐसे रखेंगे। ये सभी रोल को हमने एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर लिया है। अभी आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रखते हैं। ये हमने सभी रोल्स को ठंडा कर लिया है। अब हम ये फॉइल निकाल के इसको बाहर निकाल लेते हैं। तरह से अभी हम सभी रोल निकाल लेंगे और उसे पीसेस में कट करके। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये सभी रोल इसे पीसेस में कट करके लेते हैं। ये बहुत ठंडा है इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है। इस तरह से हम सभी पीसेस कट करके लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे खजूर अंजीर रोल बन के तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।